नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में चुनाव का पूरा माहौल जो है वो तैयार हो चुका है। एनडीए में बता दें आपको कि सीट शेयरिंग लगभग पूरी कर ली गई है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन एनडीए के ही सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा, नाराज चल रहे हैं। और बता दें आपको कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के पाले में जाने का पूरा मूड बना चुके हैं और कहा जाए तो जा चुके हैं, केवल ऐलान बाकी है। महागठबंधन की तरफ से आपको बता दें, हम तीन सीटों का वादा किया गया है। तीन सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा जो है अपने प्रत्याशी लोकसभा चुनाव 2024 में खड़ा करेंगे। आपको बता दें कि एनडीए में कुशवाहा के लिए एक सीट मिल रहा था और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा लगातार कम से कम दो सीटों की मांग करते आ रहे थे और उनकी दो सीटों की मांग एनडीए में पूरा नहीं हो पा रहा था। आपको बता दें कि चिराग पासवान को ही एडजस्ट करने में एनडीए क्या कहा जाए तो पसीना छूट गया, और चिराग पासवान के एडजस्ट होने के बाद से ही एनडीए एक तरह से रिलैक्स हो गई है कि अब सब कुछ हो चुका है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ अगर उनकी बात माने तो न्याय अभी तक नहीं हो पाया है और उन्हें कम से कम दो सीटों की दरकार थी, नहीं मिली। और यही कारण है कि महागठबंधन के साथ जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। बता दें आपको तीन सीट देने का आश्वासन जो है वो महागठबंधन की तरफ से मिला है, और आश्वासन नहीं, इसे आप मानिए कि पूरा भरोसा है वो मिल ही जाएगा। तीन सीट कौन कौन से हैं आपको हम बता दें। सबसे नंबर एक काराकाट, दूसरा आपको बता दें सीतामढ़ी, और तीसरा उजियारपुर। ये तीन सीट जो है महागठबंधन उपेंद्र कुशवाहा को देगी। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में भी पांच सीट जो है वो महागठबंधन के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया था, हालांकि कोई भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया। तो इस बार बता दें आपको हम कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो अब महागठबंधन में जा चुके हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। बस इसका ऐलान होना बाकी है, क्योंकि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की जो सीटों की दावेदारी थी वो पूरी नहीं हो पाई, जिससे वो काफी नाराज चल रहे थे और उन्होंने महागठबंधन की तरफ रुख किया है। लगातार दूसरी बार वो बीजेपी के खिलाफ रहेंगे, एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बता दें 2014 के चुनाव में वो एनडीए के साथ थे और तीन लोकसभा की सीटें मिली थी, तीनों पर उन्होंने विजय प्राप्त किया था। और एचआरडी राज्य मंत्री जो है वो केंद्र में चार सालों तक रहे भी। 2018 में उन्होंने एनडीए से किनारा कर लिया और उसके बाद से देखा जाए तो दो चुनाव, एक चुनाव हुए और एक होने वाले हैं, दोनों में महागठबंधन से लड़ने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा ने पाला बदल लिया है, अब वो महागठबंधन के साथ जा रहे हैं, जहां पर उनको तीन सीट दिए जाएंगे और ये तीन सीट काराकाट, सीतामढ़ी और उजियारपुर होने वाले हैं। तो देखिए इसका ऐलान कब तक होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।